अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम हाफिज़ शुएब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है, आज का जो व्लॉग है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। और आज जो है हम गन्ने की जो फसल है उसको विजिट करने वाले हैं और मैं आपको बताऊँगा कि जो गन्ना है उसको खेतों से कैसे निकालते हैं और इतने बड़े बड़े ट्राले जो हैं उनको कैसे खेतों से निकाल के और कैसे जो है वो जो मिलों तक पहुँचता है, तो सारा मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम एक गन्ने की फसल की तरफ जा रहे हैं। और तो गन्ने की फसल है वो अभी कटाई हो रही है उसकी, क्योंकि उसका मौसम कटाई का मौसम आ गया और मेरे ख्याल 2-3 दिन से लगे हुए कटाई कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आपके थोड़ा दूर है, आपसे नज़र नहीं आ रहा, मैं पास जाके आपको दिखाता हूँ। ये 3 ट्राले जो हैं वो लगे हुए हैं यहाँ पे और लोड हो रहे हैं, और अभी मैं पास जाके आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, हम थोड़ा पास आ गए हैं और देखते हैं, ये देख सकते हैं कि 3 ट्रैक्टर जो हैं उनके पीछे ट्राले डाले हुए हैं और वो लोडिंग के लिए लगे हुए हैं और लोग कटाई कर रहे हैं और ट्राले लोड कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं वो लोग लगे हुए हैं कटाई कर रहे हैं और ये काट के रखा हुआ है गन्ना और ये ट्राला लोड कर रहे हैं। और ये गन्ने खड़े हुए हैं, यानी कि कमाद ये भी काटने वाला है, ये भी काटेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ये तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ट्राला यहाँ पे फंसा हुआ है और दूसरे ट्राले से टोशन लगा के इसको निकालने लगे हैं। जी तो आपने देखा कि ये देखिए बहुत इजीली निकल गया, लेकिन कुछ होते हैं कि वो फंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये इजीली नहीं चला गया। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक और ट्रैक्टर है, यानी कि जो दूसरे वाला है, 3 ट्रैक्टर खड़े थे ना यहाँ पर, इसको भी निकालने लगे हैं। मैंने आपको बताया कि सीज़न चल रहा है, तो इसलिए जो जगह जगह पे जो बड़े बड़े ट्राले जो हैं वो, ये देख सकते हैं कितना बड़ा ट्राला है, तो बड़े बड़े ट्राले खड़े हैं और जो छोटे ट्राले हैं वहाँ से खेतों से लेके आते हैं, तो वो जो है यहाँ पे बड़े ट्रालों पर शिफ्ट करते हैं, उसके बाद लोगों को लेके आते हैं। आपको बताता हूँ, काफ़ी ज़्यादा जगह पर खड़े हैं। देख सकते हैं कि रास्ते में जो है वो कहीं कहीं जो कमार जो है वो गन्ने जो है वो खड़े हैं, और ये बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारी साइड पे जो है ना वो जो शुगर मिल नहीं है, तो इस वजह से बहुत कम जो उसकी जो पास करते हैं। जी तो दोस्तों, देख सकते हैं कि ये जो ट्राली छोटी ट्राली है उससे जो है वो बड़े ट्राले में शिफ्ट कर रहे हैं और
ये आप देख सकते हैं कि ये मेन रोड चल रहा है, वहाँ पे साथ ही जो यहाँ पे इन्होंने काले लगाए हुए हैं, तो इसलिए जाते हैं कि ये जो अगर खेतों से निकालने पड़े तो इतने बड़े बड़े काले बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए ये जो यहीं पे रोड के साथ ही कहीं पे लगा लेते हैं, तो वहाँ से जो करीब के आगे ले जाते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि हमारी साइड पे जो है वो रोड एक्सीडेंट हो गया, तो ये जो गन्ने जो ट्राला था गन्ने का उसी से हुआ, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये रूटीन की बात है। तो ये ट्राले जो होते हैं बहुत ज़्यादा लोड होता है इनके ऊपर, तो अगर ये थोड़ा सा भी रोड से नीचे उतरा और ये उठ जाता है तो इस तरह जो है जो जानी नुकसान जो है वो तो होने से बहुत बच जाता है। बहुत कम सुना है कि जानी नुकसान भी हुआ हो, लेकिन जो है वो माली नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो गन्ने खड़े हैं, और अभी मुझे जल्दी थी इसलिए मैं शहर को जा रहा हूँ, तो वापसी के आगे मैं आपको जो एक्सीडेंट हुआ है वो भी दिखाता हूँ। तो बहुत ही बुरी तरह जो है ना वो निज़ाम डैमेज हुआ हुआ है, यानी कि परसों से एक्सीडेंट हुआ है और अभी भी बस ये देख सकते हैं आप। आप देख सकते हैं कि जो दो ट्राले जो हैं वहाँ यहाँ पे उल्टे हुए हैं, तो ये हुआ कुछ ऐसे कि एक ट्राला जो है वो तो खुद ही उल्ट गया, यानी कि जो मसला बन गया था उसका कुछ भी, तो दूसरा ट्राला जो है वो उसने अपनी कारीगरी दिखाने की कोशिश की और वो भी साथ ही उल्ट गया सेम टाइम सेम जगह पे। तो बहुत ही मुश्किल हुई है और लोगों को गुजरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना हो रहा है, और ये आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा रश और लोग जो है वो साइडों से जगह ढूंढ के तो गुजर रहे हैं, और ये देख सकते हैं कि दूसरी साइड को निकल रहे हैं और पता नहीं कहाँ से जाके वापस आए दोबारा निकलेंगे। तो ये ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े हैं और ये भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं कि ये इस साइड को जा रहे हैं। ये देख सकते हैं कितना नुकसान हो गया, तो इस तरह जो है वो लोगों की भी मौजें लग जाती हैं और लोग यहाँ से गन्ने उठा के ले जाते हैं जिसमें दिल करें, फिर लोग हर कोई कोशिश करता है कि दो चार मैं भी उठा ही लूँ, तो इस तरह के उनको नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा होता है। जो उससे ये आप देख सकते हैं कि ये जो ड्राइवर है तो बहुत ही मुश्किल स्टैंड है, और ये कोशिश कर रहा है कि मैं जो अपनी गाड़ी है वहाँ से निकाल लूँ, तो मुझे उम्मीद है कि निकाल लेगा। ये आप देख सकते हैं कि वो उसने निकाल ली गाड़ी और जो थोड़ा सा रास्ता बन गया, और छोटी गाड़ियाँ और मोटर बाइक और रिक्शे वो ईज़िली गुजरना स्टार्ट हो गए, थोड़ा बहुत रास्ता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो दो ट्राले जो जो नए मंगाए थे उन्होंने, तो दोनों तकरीबन लोड हो गए और अभी इस टाइम में यानी कि घंटा डेढ़ लगेगा, उसके बाद ये रोड क्लियर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं वो गन्ने वगैरह उठा के लेके जा रहे हैं, और कुछ यहाँ पे खड़े हैं रोक भी रहे हैं, और कुछ जो है उनके साथी हैं तो वो कह रहे हैं कि चलो ले जाओ कुछ बात कोई बात नहीं, और ये आप देख सकते हैं वो भाग रहा है, तो इसी तरह होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी और अभी चलते हैं घर की तरफ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो बाकी का हिस्सा रह गया वो इंशाल्लाह मैं आपको वादा रहा हूँ किसी दिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, और शुगर शुगर मिल जो है उसका भी विज़िट करूँगा और वो भी मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊँगा। मिलते हैं।